बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ फाइल सिस्टम एंड नोड जेएस बाय चिंतन एंड आई एम अ मेन स्टैक डेवलपर। दिस कोर्स इज आल्सो डिजाइंड बाय myexcelclass.com एंड इन दिस कोर्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है नोड जेएस में, क्या होता है फाइल सिस्टम, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे फाइल जेएस में, फाइल सिस्टम में नोड जेएस में, ये हम सारे चीज़ें इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। फर्स्ट, क्वेरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल्स। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर और ऑपरेशंस हम उसके एक्शन पे फर्दर हम और कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द फाइल सिस्टम इन नोड जेएस एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन। नोड हैज़ अ स्ट्रीमिंग एपीआई फॉर डीलिंग विद फाइल्स एज इफ दे वर नेटवर्क स्ट्रीम्स। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट बट इट ओनली अलाउज यू टू डील विद फाइल्स इन अ कंटिन्यूस वे। दिस डज नॉट वर्क इफ यू नीड टू राइट इन और राइट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजिशन इन साइड अ फाइल। फॉर दैट यू नीड टू गो डाउन टू अ लेवल एंड डील विद अ फाइल सिस्टम इटसेल्फ। बेसिकली जो नोड जेएस होती है जो फाइल्स को नेटवर्क स्ट्रीम्स की तरह से हैंडल करती है, ये हम फाइल्स को एक कंटिन्यूस फैशन में स्ट्रीम्स कैसे हो, अगर हम थोड़ी भी बहुत भी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे या एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, स्ट्रीम्स, नेटवर्क स्ट्रीम से हम क्या समझते हैं। नेटवर्क स्ट्रीम एक तरीके का डेटा स्ट्रीम होता है जो कि एक सिंक्रोनस वे में जाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ जाता है, उसको हम नेटवर्क स्ट्रीम बोलते हैं। इट शुड बी अ बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफरिंग ओवर द नेटवर्क। सो अगर हमें ये नोड बहुत ही लो लेवल की प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड करती है फाइल सिस्टम्स पे, तो या तो हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस डज नॉट वर्क इफ़ यू नीड टू राइट इन और रीड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजिशंस इन साइड अ फाइल। या तो हम फाइल के स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करके रीड करना चालू करें, या तो फिर हम एक ऐसे ट्रिगर्स बनाएं कि जहाँ पे फाइल की जब एंड होता हो वहाँ से हम रीड कर सकें। हम इसको इस तरीके से इजीली नहीं हैंडल कर सकते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुँच जाएं और जो है वहाँ से हम डेटा को रिट्रीव करें। इसके लिए हमें एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा और हमें फाइल सिस्टम्स की API से डील करना पड़ेगा। वेरियस APIs हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सी या सी प्लस प्लस के एनवायरनमेंट से आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में, क्योंकि जैसे वहाँ पे फाइल सिस्टम काम करता है मोर और लेस कन्वेंशन उसी तरीके से हैं, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि हम यहाँ पे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करते हैं तो कॉल बैक्स वगैरह हमें यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, तो इतना ही चेंज होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि फाइल सिस्टम्स क्या होता है, किस तरीके से मैनिपुलेशन होगा, कैसे हम पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे, कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, हमें चेक करना हो कि एग्जिस्टिंग पाथ अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ये सारा इस कोर्स में हम पढ़ेंगे और फर्दर स्लाइड्स में आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप इस फाइल सिस्टम नोड जेएस के फाइल सिस्टम को समझ सकते हैं। मैनिपुलेटिंग फाइल पाथ्स। फाइल पाथ्स रिप्रेजेंट फाइल्स एंड दीज पाथ्स कम इन रिलेटिव और एब्सोल्यूट फॉर्मेट्स। यू कैन कॉन्कैटिनेट फाइल पाथ्स, एक्सट्रैक्ट फाइल नेम इंफॉर्मेशन एंड इवन डिटेक्ट फाइल एग्जिस्टेंस। इन नोड यू कैन मैनिपुलेट फाइल पाथ्स बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स, बट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर इंस्टेंस व्हेन यू वांट टू जॉइन पाथ कंपोनेंट्स। तो जैसे मैंने कि आपको पहले ही कहा था कि इसमें हमारे जो फाइल सिस्टम पे पाथ्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव पाथ
वो पाथ होगा जो किसी के रेफरेंस में, जैसे जो पर्टिकुलर फाइल के रिलेशन में हो या फिर किसी और पर्टिकुलर फाइल के रिलेटिव में हो। एब्सोल्यूट फॉर्मेट्स वो फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें पूरा पाथ डिफाइन कर देते हैं राइट फ्रॉम द पेरेंट डायरेक्टरी टू द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दैट फाइल। सो बेसिकली हेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, वन इज रिलेटिव एंड अनदर वन इज एब्सोल्यूट फॉर्मेट। हम फाइल पाथ्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे ट्रिपल डब्ल्यू फोल्डर में एक ए फोल्डर के अंदर a1.js फाइल पड़ी है। अब हम चाहते हैं कि बी फोल्डर के अंदर जो b1.js फाइल है उसको हम कॉन्कैटिनेट कर दें, तो यहाँ पे या तो हम एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ कर सकते हैं या रिलेटिव पाथ को कर सकते हैं, जो भी हो, बट हमें उस फाइल की लोकेशन तक के पहुँचना पड़ेगा। वो दोनों में से कोई भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। हम फाइल्स की मल्टीपल इंफॉर्मेशंस रिट्रीव कर सकते हैं, मींस फाइल का टाइप, फाइल की लेंथ, और यहाँ तक कि हम उसका, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम उस पर्टिकुलर फाइल का एग्जिस्टेंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइल पर्टिकुलर फोल्डर में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इन नोड यू कैन मैनिपुलेट फाइल पाथ्स बाई यूजिंग स्ट्रिंग्स बट दे कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर इंस्टेंस व्हेन यू वांट टू जॉइन पाथ कंपोनेंट्स। हम इन्हें नोड जेएस में बेसिकली हम स्ट्रिंग की तरह भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग की करण तरह कॉन्कैटिनेट करके हम फिर फाइल पाथ का दे सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब हमें पाथ कंपोनेंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ज्वाइनिंग पाथ। ज्वाइनिंग पाथ जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हम दो पर्टिकुलर चीज़ों का या किसी मल्टीपल्स का हम पाथ को कॉन्कैटिनेट कर से एक स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट हम ले सकते हैं। बाई यूजिंग पाथ डॉट जॉइन यू कैन कॉन्कैटिनेट पाथ स्ट्रिंग्स। यू कैन कॉन्कैटिनेट एज मैनी एज यू लाइक पासिंग ऑल ऑफ देम एज कंसेक्यूटिव आर्गुमेंट्स लाइक सो। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग, यदि आप देख रहे होंगे कि पाथ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये एक रिक्वायर पाथ, ये हमने एक मॉड्यूल जो है उसका एक्सटेंड किया अपने कोड में। अब हम पाथ के मॉड्यूल को, Node.js के पाथ मॉड्यूल को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जिसका जॉइन मेथड एक्सपोज करता है बाय डिफ़ॉल्ट Node.js। इसमें हमने जॉइन कर दिया फू बार बार ए एस डी एफ को यू एक्स एक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर। तो उसका कॉन्कैटिनेशन आप देख सकते हैं कि हमने एक मल्टीपल, एक स्ट्रिंग पाथ से जो कि एक सिंगल सिंगल स्ट्रिंग पाथ हैं, इनसे हमने एक कॉमन सा पाथ बना लिया जिसे हम अपने फर्दर कोड में हम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं जॉइनिंग पाथ्स। सिर्फ जॉइनिंग पाथ्स नहीं बल्कि हम पाथ्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन रिजॉल्व द पाथ्स इन Node.js। रिजॉल्विंग पाथ्स, यू कैन रिजॉल्व अ सीरीज ऑफ पाथ्स इनटू अ नॉर्मलाइज्ड एब्सोल्यूट पाथ बाय यूजिंग पाथ डॉट रिजॉल्व। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पाथ को नॉर्मलाइज करके फॉर्मेट में दे दिया पाथ हमारा सेम मॉड्यूल रिजॉल्व एंड द सेम थिंग दैट वी फॉलोड इन द प्रीवियस रिजॉल्व पाथ सॉरी जॉइनिंग पाथ वी यूज इन द रिजॉल्विंग पाथ्स। कि हम पाथ्स को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, अब भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ थे हमारे पाथ क्रिएशन के। अब मान लीजिए किसी पाथ पर्टिकुलर हमें चेक करना हो कभी कि किसी क्या पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर के डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो Node.js अपनी APIs में मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पाथ इन नोड वर्जन 0.8 पाथ डॉट एग्जिस्ट और रिप्लेस बाय fs डॉट एग्जिस्ट विद द सेम एग्जैक्ट सेम सिमेंटिक्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। अगर आप देखो कि मैंने fs फाइल सिस्टम का मॉड्यूल है Node.js का ही, उसको रिक्वायर किया है और उसी का मेथड प्रोवाइड किया है। जबकि सेम चीज़ जैसे अगर हम पहले वाले स्लाइड में देखें, यहाँ पे हम अपने fs की जगह हम पाथ कर देंगे
और उससे हम चेक कर सकते हैं। बट क्योंकि अब हमारे नए वर्जन में फाइल सिस्टम आ गया है जो इन सारी पार्ट्स को रिजॉल्व करता है, सारा फाइल का लोअर लेवल प्रोग्रामिंग हम उससे ही हैंडल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे, अगर आपका वर्जन 0.8 से ऊपर का है और एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ वर्जन ग्रेटर देन दिस वर्जन, बट इन प्रीवियस वर्जन वी एक्सप्लिसिटली यूज पाथ मॉड्यूल इन नोड जेएस टू चेक वेदर अ फाइल एग्जिस्ट एट अ पाथ और नॉट। सो इन द करेंट सिनेरियो वी आर यूजिंग द fs मॉड्यूल of Node.js where we are checking fs.exist. If it does not exist, do something, otherwise do this. तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे एक हमने मेथड हम चेक कराएंगे, यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा पाथ दे देंगे, अगर तो वो रिटर्न करता होगा तो हमारा, हमने कंसोल करा लिया, जो भी उसका डेटा है वो हमें इस मेथड में मिल जाएगा। तो बल्कि हम सिर्फ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फाइल पाथ करता है, फाइल किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन या पाथ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इससे भी आगे हम फाइल की स्टैटिस्टिक्स भी निकाल सकते हैं नोड जेएस में। नोड जेएस का फाइल सिस्टम बहुत पावरफुल है। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द फाइल स्टैटिक्स फ्रॉम अ फाइल यूजिंग नोड जेएस। अब जैसे ये देखिए, इसमें हमने, आप देख रहे होंगे, सेम fs फाइल सिस्टम मॉड्यूल को रिक्वायर किया, उसका स्टेट मेथड हमने यूज़ करा, जो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, यहाँ पे हम एक फाइल भी दे सकते हैं, इसके कॉल बैक में हमने एक एरर पैरामीटर पास किया और एक स्टेट्स पैरामीटर। अगर हमारी नहीं रिट्रीव हुई या कोई और एरर आ गई पर्टिकुलर, तो वो एरर को थ्रो कर देगा, अदरवाइज ये हमारी फाइल सिस्टम जो है fs डॉट स्टैट मेथड, सॉरी स्टैट मेथड ऑफ अ फाइल सिस्टम मॉड्यूल इज गोइंग टू कंसोल डॉट लॉग वट एवर द स्टैट्स इट्स गोइंग टू थ्रो, इट्स जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द होल स्टैट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि Node.js कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स वेयर वी आर गोइंग टू सी वट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस डेट वी कैन परफॉर्म ऑन अ फाइल। But before moving on to that, let's first know how to open a file. Opening a file. Before you can read or manipulate files, you have to open them using the fs.open function. Then a callback function you provide is invoked with a file descriptor, which you can later use to read or write to the open files. यहाँ पे आप देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। ये अगर आप सी या सी प्लस प्लस के एनवायरनमेंट से आते हैं, जनरली आप पीएचपी के भी एनवायरनमेंट में मुझे लगता है इसी तरीके के मेथड्स फाइल सिस्टम के एग्जिस्ट करते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे लगता है ये सेम ऐसे ही ओपन मेथड वहाँ भी होता है। तो अब आप देख सकते हैं fs हमने मॉड्यूल को रिक्वायर किया, जिसका ओपन मेथड उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करता है, ये हमें बताता है कि अब हम यहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक तरीके का हैंड शेक होता है फाइल सिस्टम के और इस मेथड के, कि अब हमारी फाइल तैयार है किसी और पर्टिकुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने फाइल को ओपन करा। अब हम फाइल को ओपन करके हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। So let's move on to the next slide, that is reading from a file. Once a file is open, you can read a part of it, but before you do, you have to create a buffer that will contain the data, and that data will pass to the fs.read function to be filled with the data. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमने एक फाइल को अभी सिर्फ ओपन किया था, बट हमारी फाइल बहुत बड़ी हो सकती है, तो अगर हम एक बार में इस फाइल को रीड करने जाएंगे तो हो सकता है हमारा कुछ कंटेंट लॉस्ट हो, देयर इज सम काइंड ऑफ एसिंक्रोनिसिटी एग्जिस्ट इन द फाइल सिस्टम एंड वी मे नॉट गेट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट व्हाट इज डिजायर्ड। सो वी क्रिएट अ बफर बिफोर रीडिंग अ फाइल सो दैट वी कैन बफर द डेटा एंड वी आर व्हेन वी आर मेक श्योर that we are reading the data in a consistent manner.
सो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको कहा कि यू कैन रीड अ पार्ट ऑफ इट, बट बिफोर यू डू यू हैव टू क्रिएट अ बफर दैट विल कंटेन द डेटा. दिस बफर विल बी पास टू द fs.read फंक्शन टू बी फिल्ड विद द फाइल डेटा. यानी कि जैसे ही हम रीडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, हम एक बफर को क्रिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर बफर से उठ के डेटा जो है हमारे fs.read फंक्शन में जाता है. जो भी हमें पर्टिकुलर ऑपरेशन करना होता है उसे, जैसे कि पहले ही सिमिलर कन्वेंशन है, उसे हम कॉल बैक में लेते हैं, सबसे पहले एरर होती है, उसके बाद हमारा जो भी डेटा है उसको रीड करते हैं, और उसके डेटा पे जो भी हमें एक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं उसको हम फर्दर उस तरीके से एनालाइज कर लेते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हाउ टू डू दीज थिंग्स. एग्जांपल यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा वेयर fs इक्वल टू रिक्वायर fs. fs जैसे कि मालूम ही है नोड js का मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम का मॉड्यूल है. यूजिंग दैट मॉड्यूल वी कैन यूज द मेथड्स एक्सपोज बाय नोड js. सो fs.open हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया, किस मोड के अंदर किया, वो है रीड मोड के अंदर. फंक्शन ओपन, हमने एक कॉल बैक ले लिया जिसमें एरर और एक फंक्शन दे दिया. इसके अंदर हमने एरर के अंदर अगर हमारी कोई एरर आती है तो थ्रो कर देगी एरर. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम रीड करते हैं, सबसे पहले तो हमने फाइल को ओपन कर लिया, वंस ऑफ फाइल इज ओपन. अब हम यू कैन रीड अ पार्ट ऑफ, बट बिफोर यू डू सो यू हैव टू क्रिएट अ बफर. अब आप इस एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले हम बफर को क्रिएट कर रहे हैं. हमने एक बफर को क्रिएट किया, इसके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स सेट कर दिए हमने, और फिर फर्दर यहाँ तक कि जब हमें फाइल पोजीशन लेंथ कितने साइज का बफर है हमने वो डिफाइन कर दिया है यहाँ पर. तो हम फर्दर, अब हमने जब ये सारी चीज़ें कर दी तो अब हम रीड करेंगे. हमने ये जैसे कि यहाँ पर आपने देखे फाइल डिस्क्रिप्टर ने इस मेथड में ले लिया है, इसमें फाइल डिस्क्रिप्टर लिया जिसे हमने नेक्स्ट स्लाइड में पास कर रहे हैं, जो कि फिर हमारा बफर से डेटा को लेगा किस पोजीशन पे पर्टिकुलर, वो सब हमने डिफाइन करी. और हमने फिर फर्दर फंक्शन रीड का फंक्शन लगाया जो बाइट्स को रीड कर रहा है, अगर एरर होगी तो थ्रो कर देगा, अदरवाइज उसने कंसोल डॉट लॉग करा दिया कि जस्ट वी रीड बाइट बाइट डेटा. इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम रीड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इन नोड जेएस में. हमने एक पढ़ा अभी मेथड कि हाउ टू ओपन, हाउ टू रीड. अब अगर इसमें एक और होता है fs.close मेथड, जो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको फर्दर आप लोग खुद एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द जनरल केसेस वी डू नॉट रिक्वायर दिस मेथड, बट एट टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेबिलिटी फैक्टर्स वी आर कंसिडरिंग एवरी माइन्यूट थिंग्स टू मेक अवर साइट्स स्केलेबल और टू मेक अवर एप्लीकेशन गुड, वी नीड टू क्लोज द कनेक्शन फर्स्ट. सो फॉर दैट फाइल सिस्टम इज प्रोवाइडिंग अ मेथड दैट इज नोन एज fs.close मेथड. इसको आपको अपने एंड से पढ़िएगा, थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, ये कुछ नहीं है, ये बस जो हमने कनेक्शन जहाँ पे ओपन किया था उसे क्लोज करने का तरीका है, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस नोड जेएस खुद से ही, अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूट होती है, वंस इट्स बीन डन इट्स ऑटोमेटिकली क्लोजेस इटसेल्फ. बट कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जहाँ पे क्लोज नहीं होती हैं, वहाँ पे फिर हमें फाइल सिस्टम को, जो अगर आप गार्बेज कलेक्शन से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि हमें मेमोरी को सेव करना पड़ता है क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग के लिए. सो आई होप दिस ऑन द फाइल सिस्टम इन नोड जेएस एनवायरनमेंट इज क्लियर टू नाउ. सो लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू दैट दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ फाइल सिस्टम इन नोड जेएस एनवायरनमेंट इज एक्सप्लिसिटली बीन टॉट बाय माई एक्सेल क्लास डॉट कॉम. So wrapping up the things now, let's have a look at the summary. What are the things that we covered in this file system chapter? So in summary,
नोड प्रोवाइड्स अ लो लेवल एपीआई टू द फाइल सिस्टम इन द एफएस मॉड्यूल। जैसे कि हमने बताया, हमें कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए वेयर एफएस इक्वल टू रिक्वायर एफएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल को हम इंक्लूड करते हैं, जो कि काफ़ी लो लेवल की एपीआई को एक्सपोज करता है, जिनके मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर ऑपरेशन के लिए। लो लेवल फाइल सिस्टम्स यूज फाइल डिस्क्रिप्टर टू हैंडल देयर फाइल्स। जैसे कि वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में रीडिंग में आप लोगों को दिखाया था एफडी करके फाइल डिस्क्रिप्टर, जो कि यहाँ पे बना था, इसको हम हैंडल करते हैं लो लेवल में जब फाइल सिस्टम के मेथड को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज यू कैन यूज़ एफ एस डॉट ओपन टू ओपन अ फाइल। जैसे कि मैंने बताया एफ एस डॉट ओपन से हम ओपन करेंगे। सिमिलर मेथड है एफ एस डॉट राइट टू राइट इट, एफ एस डॉट रीड से हम रीड करेंगे एंड एफ एस डॉट क्लोज से हम क्लोज करेंगे। इन एरर सिचुएशंस यू शुड ऑलवेज क्लोज योर फाइल्स बाय हैंडलिंग एरर्स करेक्टली, बी श्योर टू क्लोज ऑल द फाइल डिस्क्रिप्टर्स बिफोर कॉलिंग बैक। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इन जनरल केसेस यू डू नॉट नीड एफ एस डॉट क्लोज, बट वेन एवर देयर इट्स अ गुड प्रैक्टिस वेन एवर यू काउंटर एन एरर इन योर कोड यू शुड ऑलवेज क्लोज दोज ओपन कनेक्शन और अ फाइल। सो बाय हैंडलिंग एरर्स करेक्टली बी श्योर टू ऑल द फाइल डिस्क्रिप्टर्स बिफोर कॉलिंग बैक्स। ना सिर्फ हम फाइल सिस्टम के उस पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बताया कि उसको हम क्लोज करेंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर्स को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस पर्टिकुलर कोर्स और चैप्टर इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेल द फाइल सिस्टम्स इन नोड जेएस एनवायरनमेंट। थैंक्स फॉर द टाइम, विल मीट यू इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स। थैंक्स।